हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरी पिंपल्स केयर रूटीन का डे 5 है और सबसे पहले मैंने अपना फेस नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं 1 पंप लेके अपना फेस वॉश निकाल रही हूँ। ये देखिए इतनी क्वांटिटी में लेना है और अच्छे से हमें अपना पूरा 1 मिनट तक फेस को वॉश करना है। तो चलिए अब मैं आपको मिलती हूँ पूरे 1 मिनट बाद। तो यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है डन। उसके बाद हमें नॉर्मल वाटर से अगेन अपना फेस वॉश कर लेना है एंड देन एक क्लीन और सॉफ्ट टॉवल लेके अपना फेस को अच्छे से आपको पोंछ लेना है। आफ्टर दैट हमें अपने चेहरे पे सनस्क्रीन लगाना है। ये देखिए बस इतनी सी ही क्वांटिटी लेनी है, ज्यादा नहीं लेना है। और इसको लेके अपने पूरे चेहरे और नेक पे लगा लेना है। तो मॉर्निंग रूटीन में हमें बस इतना ही करना है। इसके बाद रात को हमें सोने से पहले अगेन अपना फेस नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है और अगेन हमें फेस वॉश अपना 1 पंप निकाल के ले लेना है और अपना फेस वॉश करना है पूरे 1 मिनट तक। तो आज का हमारा टिप ये है कि अगर आप कहीं पे भी बाहर घूमने जाते हो तो अपने चेहरे को कवर कर लो ताकि सनलाइट जो है वो सीधा आपके फेस पे ना पड़े। अगर सनलाइट सीधा फेस पे पड़ेगा ना तो उसका असर अच्छा नहीं हो सकता है। हो सकता है आपका स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो तो आपके फेस पे वो असर करेगा। इससे अच्छा आप मास्क लगा के जाए या तो फिर दुपट्टा बांध के जाए। तो यहाँ पे हमारा फेस वॉश हो चुका है डन। अगेन हम नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर लेंगे एंड देन एक क्लीन और सॉफ्ट टॉवल लेके ऐसे टैप करके अपने चेहरे को पोंछ लेंगे। तो चेहरे को पोंछने के बाद हम अपने चेहरे पे लगाएंगे हाइड्रेशन जेल। ये देखिए हमें हाइड्रेशन जेल की क्वांटिटी बिल्कुल इतनी ही लेनी है। हाइड्रेशन जेल कुछ और नहीं, बस एलोवेरा जेल ही आप समझ लो, वही होता है। और इसे हमें अपने पूरे चेहरे और नेक साइड एरिया पे लगा लेना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच।